बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, हाउ आर यू? आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो, सिटी कैंपस भलवाल। इट्स साइंस ग्रेड 6। टाइटल ऑफ द चैप्टर इज डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल्स एंड इट्स आर लेक्चर नंबर 15। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेट्स में सबसे पहले हमने सॉलिड को एक्सप्लेन किया था, सॉलिड के बारे में। और ये जो शक्ल है आपके सामने, मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर टाइटली पैक्ड, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर एक्चुअली पैक्ड। और चूंकि ये पैक्ड होते हैं तो इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बिल्कुल नहीं होती, दे हैव नो एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम। और इसी वजह से, इन दो क्वालिटीज की वजह से, सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है और सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स्ड होता है। और शेप का ताल्लुक मैंने आपको बताया था कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के साथ होता है। चूंकि सॉलिड में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, दैट्स व्हाई दे हैव फिक्स्ड शेप। और चूंकि सॉलिड के दरमियान फ्री स्पेसेस नहीं होती, इस वजह से इनका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता और ये फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है। फिर उसके बाद हमने लिक्विड के बारे में बात की थी। और ये जो पिक्चर है ये हमें डिपिक्ट कर रही है 3 स्टेट्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि लिक्विड के दरमियान अगर आप देखें तो एम्प्टी स्पेसेस जो है वो थोड़ी हैं, लेस एम्प्टी स्पेसेस हैं। और लेकिन आप ये देखें कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो लिक्विड के दरमियान है वो वीक हो गई हैं, जिसकी वजह से इनकी शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है, क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस अभी तक इतनी ज्यादा नहीं हुई है कि वो इसको छोड़ के निकल जाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर विच इज कॉल्ड एज गैसेस। डियर स्टूडेंट्स, गैसेस के बारे में सबसे अहम बात जो मैं आपको बताने लगा हूं वो ये है, सॉलिड के बारे में बता चुका हूं, लिक्विड के बारे में बता चुका हूं, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट गैसेस। और गैसेस के बारे में जो पहली इंपॉर्टेंट बात है कि गैसेस का जो शेप होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, नो फिक्स्ड शेप। इसके साथ गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स नहीं होता, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। Gases don't have fixed shape and they don't have fixed volume. मैं dear students आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो शेप है इसका ताल्लुक है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। चूंकि सॉलिड के साथ अगर कंपेरिजन किया जाए गैस को, तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, कमजोर होती हैं, जिसकी वजह से गैस की कोई फिक्स शेप नहीं होती। आप इसको जिस बर्तन में डालेंगे ये उसी की शेप इख्तियार कर लेगी। इसके साथ दूसरी अहम प्रॉपर्टी, दे डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। और वॉल्यूम का ताल्लुक मैं आपको बता चुका हूं इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस के साथ है, यानी इनके दरमियान आप देखें खाली जगह बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। ये जिस बर्तन में डालें उसका पूरा वॉल्यूम ये एक्वायर कर लेती हैं। आप देखें, द एयर इन अ फुटबॉल एंड द एयर इन अ बैलून्स आर इन अ बाइसाइकिल टायर हैज डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट वॉल्यूम्स। यानी आप जिस भी बर्तन में जिस भी चीज में गैस डालेंगे ये उसी की शेप इख्तियार कर लेंगे और उसी का वॉल्यूम इख्तियार कर लेंगे, क्योंकि गैस हैव नो फिक्स्ड शेप, गैस हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ये ऑक्यूपाई करता है होल वॉल्यूम इन विच दे आर केप्ट, ये उसका पूरा वॉल्यूम
एक्वायर कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्यों ना हम इस तीनों को जरा गौर से देखें। अगर आप गौर से देखें तो आपको नंबर वन सॉलिड नजर आएगा। आप देखें इसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं, नंबर वन। इनके दरमियान स्पेसेस बहुत कम हैं और जिसकी वजह से सॉलिड जो है आपको नजर आएगा, इसकी फिक्स्ड शेप नजर आएगी और इसका जो वॉल्यूम है वो भी आपको फिक्स्ड नजर आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं लिक्विड की जानेब। अगर आप गौर से देखें तो लिक्विड में आपको एक चीज नजर आएगी और वो क्या है, मैं आपको बता चुका हूं कि शेप जो है उसका ताल्लुक जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ है। इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं जिसकी वजह से इसकी नो फिक्स्ड शेप। लेकिन आप गौर से देखें तो इनके दरमियान अभी जो स्पेसेस हैं वो इतनी ज्यादा कम नहीं है, यानी मॉलिक्यूल्स अभी तक क्लोज क्लोज मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होता है। यानी यू कैन से द वॉल्यूम इज फिक्स्ड। यस डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जो वॉल्यूम होता है लिक्विड का वो फिक्स होता है। यस, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। यू कैन सी अ गैस, गैसियस स्टेट जो है, हैविंग नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड हैविंग नो फिक्स शेप। ना ही शेप फिक्स है ना ही वॉल्यूम। और सिंपल सी बात है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन बहुत कम है और इसी वजह से वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और शेप भी फिक्स नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, क्यों ना जल्दी से हम इन तीनों की प्रॉपर्टीज के दरमियान एक कंपैरिजन ड्रॉ करें। अगर आप देखें तो इस चार्ट के अंदर ये फिजिकल स्टेट है, ये सारी सॉलिड की क्वालिटीज मेंशन है और ये देखें सॉलिड स्पेसिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस की बात हो रही है। ये कंप्रेसिबिलिटी है, यानी जब आप कंप्रेस करते हैं दबाते हैं तो कौन कितना दब जाता है। वॉल्यूम की बात हो रही है, शेप की बात है, डेंसिटी की बात हो रही है और आखिर में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी अट्रैक्शन की बात हो रही है। तो अब तीनों स्टेट सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में देखा जाए तो जो स्पेसिंग ऑफ मॉलिक्यूल है, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो बहुत कम है, यानी वेरी क्लोज हैं और एक दूसरे से बहुत दूर हैं। कंप्रेसिबिलिटी लो टू नन, यानी नहीं दबाया जा सकता। लिक्विड को भी आप बहुत ज्यादा नहीं दबा सकते लेकिन गैस को आप जितना चाहे दबा दें। अगर आपने एग्जांपल करनी है तो अपने दो हाथ इस तरह से खोलें और उनको करीब लाना शुरू कर दें, आपके दोनों हाथों के दरमियान गैस है, आप जितना मर्जी उसको दबा लें आपके दोनों हाथ आपस में मिल जाएंगे, यानी गैस दब जाती है। लेकिन अगर आप अपने दोनों हाथों के दरमियान में कोई भी सॉलिड रखें तो आप उसको नहीं दबा सकते। वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का फिक्स होता है, जबकि गैस का नॉट फिक्स यानी वेरिएबल होता है। शेप की बात करें फिक्स्ड, लिक्विड का भी वेरिएबल है, चेंज हो जाता है और गैस भी वेरिएबल है। डेंसिटी सॉलिड की बहुत हाई है, मीडियम है और लो है। डेंसिटी का ताल्लुक भी एम्प्टी स्पेसेस के साथ है। डियर स्टूडेंट्स, अगर एम्प्टी स्पेसेस कम होंगी तो डेंसिटी ज्यादा होगी। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सॉलिड के अंदर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, मीडियम है और लो है। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बड़े बेहतरीन तरीके से तीनों स्टेट्स के दरमियान डिफरेंस समझा दिया। अब मैं आपको बताऊं कि आपकी बुक का जो पेज है वो 33 पेज है और ये गैस स्टेट हमने मुकम्मल पढ़ा है इसको। क्यों ना अब आपको ये एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स मैं जल्दी से सॉल्व करवा दूं। और अगर आप देखें तो पहला जो ग्रुपिंग थिंग्स टूगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन सिमिलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। पहले में क्लासिफिकेशन आता है। बी द टू प्रॉपर्टीज डेट आर कॉमन इन ऑल मटीरियल आर मैस एंड वॉल्यूम।
नंबर सी पे देखें, डैश इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट समथिंग कंटेन, मैस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। डी देखें, द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर इन किलोग्राम, द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर इन किलोग्राम। ई देखें, ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस, वेरी गुड। देखिए सुनिए, ये मैच द कॉलम वाला जो पोर्शन है ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो पेज के टॉप पे ये प्रॉपर्टी भी मेंशन है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, और ये भी मैंने इसके अंदर आपको पढ़ा दिया है एक अलग से पोर्शन के तौर पे। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आर होमवर्क, और होमवर्क में नंबर वन पे आपने किताब में जो फिल इन द ब्लैंक्स है और जो मैच द कॉलम है वो भी करना है, उसके साथ एक क्वेश्चन भी है जो आपने करना है और वो गैस के बारे में है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई गैसेस हैव वेरिएबल शेप एंड वॉल्यूम। मैं थोड़ा सा सवाल के जवाब के बारे में आपको बता दूं कि इसमें सवाल ये है कि गैसेस की शेप और वॉल्यूम चेंज क्यों होता है, तो ये मैं आपको बड़ी डिटेल में बता चुका हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, साथ साथ अपनी नोटबुक्स मेंटेन करते जाएं, क्योंकि नोटबुक्स के नंबर है, अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आप अपने नंबर लूज कर देंगे और आपके जो पोजिशन है वो खतरे में है। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।